हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, और वो डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड कमेंट भी कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक डॉक्टर थे दिल्ली से, वो आ रहे थे, उनको भी यही प्रॉब्लम थी। अभी एक देहरादून वाले थे, उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई हमने ऑनलाइन परमिट ले लिया है और उसके बाद मान लो परमिट आ गया 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी स्टे का ऑनलाइन कॉर्बेट की वेबसाइट से, तो वो सोचते हैं उसमें सफारी की कॉस्ट भी इंक्लूड है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सफारी के लिए अलग से देने पड़ेंगे 4,5,6,7,8,10,000 जितने भी हैं। सफारी के ड्राइवर के अलग से पैसे हैं, वो उसी को जाते हैं। ये जो परमिट लिया है आपने ऑनलाइन वेबसाइट से, ये सिर्फ स्टे का परमिट है, एंट्री का परमिट है। आपको परमिशन मिल गई अंदर जाने की, इसका प्रिंट आउट निकालिए, कॉर्बेट में जाइए, कॉर्बेट में रामनगर में जाइए, वहां पे उसको जब आपको जीप सफारी वाला मिलेगा उसको हैंड ओवर कर दीजिए, वो गेट पे रजिस्ट्रेशन करवा देगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। ये चीज थी पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग सोचते हैं कि सफारी वाला उनको ले जाएगा, अंदर छोड़ेगा क्योंकि नाइट स्टे और बाहर आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है, सफारी वाला आपके साथ ही रहेगा। एक नाइट का स्टे है, दो नाइट का स्टे है, वो आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही बाहर आएगा तक आप अंदर रहेंगे। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, आप पार्क में कहीं भी बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते, सिर्फ कैंपस के अंदर ही रुक सकते हैं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर है, बाहर बिल्कुल भी पैर रखना अलाउ नहीं है। अगर जीप से बाहर पैर रख दिया 10,000 का चलान है और शायद बैन भी हो जाए, ड्राइवर भी बैन हो जाएगा, वो भी शायद अंदर नहीं जा पाएगा। तो वैसे मैं बता दूं, बहुत सारे नए रूल्स आ गए हैं। मेरे एक ड्राइवर से बात हो रही थी, वो कह रहा था भाई अब तो ऐसा कर दिया कि 500 मीटर दूर से टाइगर को देखना है, या 100 मीटर, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ इन्होंने कुछ मीटर की दूरी बनाई है कि इतनी दूर से टाइगर को देखना है, इतने मिनट से ज्यादा टाइगर को नहीं देखना, 5 मिनट से ज्यादा या जितना भी है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कुछ भी। उसने बताया था कि इतने मिनट से ज्यादा आप टाइगर को नहीं देख सकते और इतनी दूरी से टाइगर को देखना है। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, उसमें 1.5 लाख व्यू आ चुके हैं अब तक। उस वीडियो में टाइगर के ऊपर ही जीप चढ़ाने को तैयार हो रहे थे लोग, वहां पे बैठा हुआ था झाड़ी में, और इधर से ले गए उधर से ले गए अपने, क्योंकि सब ड्राइवर ये सोचते हैं, गाइड ये सोचते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है जो हमारी जीप में है उनको भी टाइगर दिख जाए, क्योंकि वहां पे टाइगर दिख रहा था लेकिन एंगल नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने एंगल बनाने के लिए इस तरह से किया। तो भैया ये वीडियो इंटरनेशनल लेवल पे भी शेयर होती हैं, सब डायरेक्टर राहुल जी भी देखते हैं, सब देखते हैं, कॉर्बेट के ऑफिशियल्स, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं जो इनकी प्रोटेक्शन में लगे हैं, वो भी फिर नए रूल बनते हैं, ऐसा हुआ था वैसा करो, ऐसा हुआ था ऐसा करो। तो ये सारी चीजें हैं, टॉपिक थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया, बैक टू टॉपिक। तो अब तीसरी चीज ये है कि लोग सोचते हैं कि जीप कहाँ से मिलेगी, क्या वो गेट पे मिलेगी, मान लो ढिकाला का एंट्री गेट है, धनगढ़ी गेट, या बिजरानी की गेट है, अमडंडा गेट, क्या कॉर्बेट वाले प्रोवाइड करवाएंगे जीप, वो क्या हमें एंट्री गेट पे मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, 350-400 जितने भी यहाँ पे जीप वाले हैं, बहुत सारे जीप वाले हैं, सब रजिस्टर्ड है कॉर्बेट के साथ, और वो उनसे आपको पहली बात करनी पड़ेगी। किसी को नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, नंबर मेरे पास भी है 2-3 के, और आपको इजिली मिल जाएंगे। पहले कॉर्बेट की वेबसाइट पर नंबर पड़े हुए थे ड्राइवर के, लेकिन अभी कोई नंबर नहीं है ड्राइवर का, सिर्फ कॉन्टेक्ट वहां पर कस्टमर केयर का नंबर पड़ा हुआ है, वरना पहले लिस्ट थी पूरी विद नाम और नंबर, आप किसी को भी कॉल कर लो जिसको मन करे, जिसका नाम आपको अच्छा लगे। मैंने भी इसमें सबसे लास्ट वाले को किया था, पिछली बार जब मैं पहली बार गया था, मेरे सामने पूरी लिस्ट थी कई सौ ड्राइवर की, तो सबसे लास्ट वाला था, मैंने उसको कॉल किया और बहुत अच्छा मिला मुझे, तो हमेशा ड्राइवर अच्छे मिले हैं यहाँ पे। मान लो परमिट मिल गया तो ड्राइवर से तो आप कभी भी बात कर लो, मान लो आपकी एक हफ्ते बाद सफारी है तो आज बात कर लो, 2 दिन पहले बात कर लो, 3 दिन पहले बात कर लो, ड्राइवर को ढूंढ के बस आप उससे बात कर लो, भैया हम उस दिन आ रहे हैं वहां मिलेगा। आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन स्टैंड पे मिल जाएगा, पिक कर लेगा। अब बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड पे मिल जाएगा, या आप किसी रिजोर्ट में रुके हुए हैं तो रिजोर्ट में आ जाएगा, भाई वो रिजोर्ट में आ जाएगा, वहीं से पिक करेगा और वहीं ड्रॉप भी कर देगा एक दिन बाद। बड़ी बात नहीं है, रामनगर से 18 किलोमीटर धनगढ़ी गेट है, सब रामनगर से जाते हैं ड्राइवर, रामनगर से भी पिक कर लेंगे, किसी रिजोर्ट में रुक रहे हो रिजोर्ट से पिक कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है। ड्राइवर एक अलग चीज़ है, ड्राइवर अपना जो आपसे कमा रहा है वो अपने लिए अपनी अलग से कमा रहा है, ठीक है। लेकिन परमिट का पैसा अलग है, उसका अलग है। मान लो परमिट आपका 5,000 में बुक हुआ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, परमिट है ऑनलाइन कॉर्बेट की वेबसाइट से 5,000, और ड्राइवर अलग से लेगा पैसे अपने 5,000, एग्जांपल। तो ड्राइवर के अलग हैं, परमिट के अलग हैं, और जो आप खाना खाएंगे अंदर ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में या फिर गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, वो अलग है, वो कैश में, कैश जरूर रखो। और चौथी चीज जो अलग है वो है गाइड का पैसा। गाइड 700 रुपीज लेता है फिलहाल, उसके फिक्स्ड है, ऑनलाइन नेट वहां पे चलता नहीं है, तो उसके लिए भी कैश ले जाओ भैया। दो सफारी होंगी तो 1400 रुपए बैठ गए उसके, 1400 रुपए वो ले जाओ, और खाना बफे पड़ता है 375 रुपए का, लंच भी और डिनर भी, लेप्रोक्स। तो कितनी बार आपको लंच करना है, कितनी बार डिनर करना है, तो इसका भी अपना हिसाब रखो, इसके लिए भी कैश ले जाओ। और बाकी जो ड्राइवर है वो तो सफारी के बाद जब आप बाहर आ जाते हैं, रामनगर पहुंच जाते हैं या ड्रॉप करता है, वो तब भी ले लेता है, सफारी वाले को सब जाते हैं नॉर्मली एंड में ही देते हैं। सफारी
सफारी का हो गया, गाइड का हो गया, और गाइड आपको सिर्फ मिलेंगे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। आप ढिकाला पहुंच जाएंगे, पहले ढिकाला पहुंचते हैं, एंट्री होती है, फिर सफारी होती है इवनिंग की। तो वहां से ड्राइव गाइड वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, आपको ढिकाला में ही मिलते हैं गाइड। पहले कन्फ्यूजन था कि सुल्तान में गाइड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, पहले बोलते थे कि सुल्तान में गाइड नहीं होते, पर अब सुल्तान में भी शायद गाइड होने लगे हैं, क्योंकि गाइड अब सब जगह आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गाइड हो गए हैं यहाँ पे कॉर्बेट में। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर दो, और आपको मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पांचवा कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग आते हैं दिल्ली से और सोचते हैं कि भाई हम अपनी कार कहाँ पार्क करेंगे, क्या कोई कॉर्बेट ने सुविधा दी हुई है कार पार्क करने के लिए। तो भाई कोई भी, इतने सारे रिजोर्ट हैं ढिकुली में, रामनगर में, कहीं भी आपका ड्राइवर भी कार खड़ी करवा देगा, 100-200 रुपए में कार खड़ी हो जाती है। सब रिजोर्ट वालों की इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग है, रिजोर्ट के गेट पे जो खड़ा है गार्ड उसको बोलो कि मेरी कार यहाँ पर भी, उसको 100-200 रुपए दे दो। और आप धनगढ़ी के गेट पे भी साइड में एक पार्किंग है, धनगढ़ी के गेट के बराबर में ओपन पार्किंग है कोई, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे भी कार खड़ी कर सकते हैं साइड में, लेकिन कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई टिकट नहीं लेता वहाँ पे, वहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। कार खड़ी करने के बहुत जगह, लोग वहाँ भी खड़ी करते हैं कार, तो आपका कार करने का भी इशू मैंने सॉल्व कर दिया है। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और धनगढ़ी जो ढिकाला की सफारी होती है वो नॉर्मली 10 बजे एंट्री होती है, दिल्ली से आ रहे हैं तो कम से कम रात के 2-3 बजे चलो, जो 10 बजे से पहले पहुंच जाओ, 9 बजे पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच जाओ, वरना नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते लोग, तो लोग एक दिन पहले आ जाते हैं, किसी भी रिजॉर्ट में रुक जाते हैं। अब कोई एक ऐसा रिजॉर्ट भी है जो मैंने सुना था जो 1500-2000 रुपए में भी बहुत बढ़िया रूम दे देता है एक रात के लिए, तो आप वहाँ पर रुक जाओ। नॉर्मली लोग एक दिन पहले रुकते हैं और सफारी एंड करने के बाद सीधा निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। किसी की ट्रेन का भी है, किसी की फ्लाइट का टाइम का भी है, तो सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के कमेंट कर दो, तो मैं आप रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा आपको, और सारे डाउट दूर हो गए होंगे। बस इस वीडियो में यही अपडेट देना था, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।